विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने महासमुंद विधानसभा में नामांकन रैली और विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने मकान नहीं बनाकर आवासहीनों के साथ वादा खिलाफी की है। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय जनता से छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को चुनने का आग्रह किया। सीएम हेमंत बिस्वा ने बयान के पलटवार में महासमुंद विधानसभा की प्रत्याशी डॉक्टर रशीम चंद्राकर ने हेमंता विश्व शर्मा को जुमेलेबाज कहा है। देखिए, वो सिर्फ जुमलेबाजी जो केंद्र सरकार में जो बैठे हुए जो हमारे बड़े नेता हैं, वो जो केंद्र सरकार के मोदी जी हैं, उन्होंने वो जुमला जब फेंकते हैं तो वो सारे लोग जो है उनको कैच कर लेते हैं, और वही जुमला जो उनके जो भी अनुयायी हैं वो आकर के क्षेत्र में फेंकना चालू कर देते हैं। मैं यही बताना चाहूंगी कि ये विकास बताने की बातें नहीं होती है, विकास देखने की बातें होती है। आज हमारे महासमुंद का अगर विकास देखेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, उनके अनुयायी के रूप में हमारे विधायक विनोद सेवालाल चंद्राकर जी, मेडिकल कॉलेज की सौगात हमको मिली, कृषि विद्यालय की सौगात हमको मिली, पटेवा में महाविद्यालय की सौगात हमको मिली, आज आत्मानंद स्कूल से हमारे बच्चे जो है वो समृद्ध हो गए हैं हमारे